आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। गोरखपुर खार खदाना पर भी करेंगे उद्घाटन। खाद कारखाने से फायदा होगा, उन्होंने खुद 2016 में रखी थी इसकी आधारशिला। 8603 करोड़ रुपए की लागत से बनी है फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, 30 साल में बंद पड़ी थी। गोरखपुर में बन रहे पूर्वी यूपी के पहले एम्स का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1011 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए। पीएम मोदी और पुतिन की मौजूदगी में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया। भारत और रूस के बीच व्यापार निवेश सहित कई मुद्दों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर भी बनी है सहमति। दोनों देशों ने 10 साल तक रक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। 2021 से 2031 तक बनी रहेगी सहमति। भारत में और रूस में समझौता, 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए समझौता हुआ। बनाया जाएगा नया संयुक्त उद्यम। दोनों देशों के बीच चीन और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आतंकवाद के खतरे से निपटने में सहयोग समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत एक बड़ी शक्ति और परखा हुआ दोस्त है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई, कहा कि भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2021 महत्वपूर्ण रहा, बहुत कुछ बदला लेकिन हमारी दोस्ती कायम रही। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत की दोस्ती का सूत्रधार बताया। अफगानिस्तान पर दोनों देश लगातार संपर्क में रहे। भारत ने 2025 तक रूस के साथ $30 बिलियन का ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे पर जताई खुशी, कहा कि इस साल ट्रेड में 38% बढ़ोतरी हुई है। भारत और रूस के बीच कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री ने साइन किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी में रक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। भारत रूस की साझेदारी से शांति और स्थिरता की उम्मीद है। 2+2 डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद नई चुनौती है। 2+2 डायलॉग में बोले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, रूस और भारत क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर भी मदद करेंगे। S-400 डील पर बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, भारतीय रक्षा समझौता और क्षमता को मिलेगी मजबूती। सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधा, कहा कि भारत जनता की कौन सा हथियार किस देश से खरीदेगा यह भारत तय करेगा। भारत और रूस ने अफगान जनता को तत्काल मानवीय सहायता देने का भी फैसला किया है। भारत में करीब 4 घंटे रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रात को 9:30 बजे रूस के लिए रवाना हुए। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की होगी साझा रैली। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आज गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है गठबंधन। ज्वाइंट रैली पर जयंत चौधरी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का विरोध कर रही है जनता, लोग बेहतर विकल्प देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, नकली विकास के घोड़े पर सवार है भाजपा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा कि आजमगढ़ के नाम को किया गया बदनाम, सपा ने सत्ता में रहकर अराजकता फैलाई। पीएम योगी ने कहा कि एसपी सरकार में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ, हमारे लिए पूरा देश ही प्रदीप परिवार है। अखिलेश यादव की सीएम योगी ने ली चुटकी, कहा कि कोरोना काल में मैं 3 बार आजमगढ़ आया लेकिन यहां के सांसद नहीं दिखे। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन पर बीजेपी का मेगा प्लान, बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद शाम में गंगा आरती में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रूज से बनारस के घाटों का जायजा भी लेंगे। 14 दिसंबर को पीएम मोदी की बड़ी बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चर्चा करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सपा बसपा और कांग्रेस का पिछले चुनाव से भी ज्यादा होगा बुरा हाल। लखनऊ में कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने स्वागत किया। बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:15 बजे बैठक होगी। संसद की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पहली बार संसद भवन से बाहर हो रही है बीजेपी संसदीय दल की बैठक। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग होगी। राज्यसभा के चेयरमैन से मिले सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग की। विपक्षी नेताओं के साथ शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। हंगामे के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसद हो चुके निलंबित। इस फैसले के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी। महंगाई के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज संसद घेराव का ऐलान किया। राहुल गांधी हो सकते हैं मार्च में शामिल। आज राहुल गांधी से मिलेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर बयान के बाद शिवसेना नेता की पहली मुलाकात। दिल्ली में आज एनसीपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक, शरद पवार करेंगे अध्यक्षता। आज पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल सकते अमरिंदर सिंह, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। सिद्धू के विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, कहा कि नॉनसेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रताप सिंह बाजवा।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंबिका सोनी होंगे चुनाव समन्वय समिति की प्रमुख। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की पाकिस्तान की वकालत, बोले कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोला जाए। अरविंद केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना, कहा कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। सुखबीर सिंह बादल ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कि पंजाब में जो ऐलान करना है पहले वो दिल्ली में करके आए। आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान है, सरकार ने हमारी कमेटी को बातचीत के लिए अब तक नहीं बुलाया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा कि घुटन महसूस होती है तो भारत छोड़ दे फारूक। फारूक अब्दुल्ला ने दिया था बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अधिकार वापस पाने के लिए किसानों की तरह बलिदान करना पड़ सकता है। दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर से लगे विवादित नारे, बीजेपी आरएसएस और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी पर एसएफआई और आईसा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, एबीपी ने मामले में एक्शन की मांग की। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 23 तक पहुंचे, विदेश से मुंबई लौटे दो लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 37 साल के शख्स की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। अमेरिका से लौटी 36 साल की महिला भी ओमिक्रॉन से संक्रमित है। ओमिक्रॉन के दोनों नए मरीज फाइजर वैक्सीन के डोज ले चुके हैं और दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो नए केस के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 10 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर और जीनोमिक टेस्ट को एयरपोर्ट और एंट्री पॉइंट पर बढ़ाया गया है। लोगों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एंट्रिक्स वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर है, बीएमसी ने खास तैयारी की है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर आयुक्त राजेश पाटिल का बयान है, जिस परिवार में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले हैं उस परिवार के बाकी लोग कोरोना संक्रमित नहीं है। राजेश पाटिल ने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ में बाहर से आए 16 लोग संक्रमित हैं, 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं, बाकियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की पत्नी और पत्नी का भाई पाया गया कोरोना संक्रमित, सैंपल को अब जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली में विदेश से लौटे 3 यात्रियों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1 संदिग्ध केस है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस ने कर्नाटक सरकार की चिंता बढ़ाई, ओमिक्रॉन के संक्रमण की रोकथाम के उपाय पर एक्सपर्ट की सलाह के बाद फैसले लेंगे। ब्रिटेन से हैदराबाद आई महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं है, टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए यूपी में गाइडलाइंस जारी की गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में 74,000 से ज्यादा बेड बढ़ाए जाने की तैयारी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई में किया ओमिक्रॉन के स्पेशल वार्ड का दौरा, तैयारियों की समीक्षा की। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर एमपी सरकार ने बोर्ड पर बढ़ाई है निगरानी, राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, सीएम नीतीश बोले कोई भी लापरवाही बरत नहीं सकता। पटना में ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाई गई है। रांची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर तैयारी में जुटा है प्रशासन, सदर अस्पताल में 60 आईसीयू बेड और 200 बेड अलग से लगाए गए हैं। नेपाल में भी ओमिक्रॉन की एंट्री वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली वैज्ञानिक सारा गिलबर्ट का बयान, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी हो सकती है। देश में 85% लोगों को लगी है कोरोना की वैक्सीन पहली डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन के 325वें दिन 71 लाख लोगों की कोरोना वैक्सीन लगी है। अब तक कुल 128 करोड़ डोज लोगों को दी गई है। देश के 93% स्कूल टीचिंग स्टाफ और 87% नॉन टीचिंग स्टाफ को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज या फिर दूसरी डोज। रूस का भारत सरकार को ऑफर, स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक एम वैक्सीन देने को तैयार। देश में कोरोना के 8,306 नए केस, 24 घंटे में 211 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 3,277 नए केस और 24 घंटे में 168 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 517 नए मामले, मई 2020 के बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 5 की मौत। नागालैंड में फायरिंग के मामले पर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का जवाब, संदिग्धों की आशंका में फायरिंग हुई थी। अमित शाह ने कहा कि गाड़ी को सुरक्षा बलों ने रोकने का इशारा किया था, रुकने के बजाय गाड़ी तेजी से निकल गई। पुणे में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रामनाथ कोविंद का किया स्वागत, आज एयरफोर्स के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं होगी नमाज, जुमे की इबादत के लिए प्रशासन ने आपसी सहमति से तय की 12 मस्जिदें। इस साल दिल्ली में डेंगू से 15 लोगों की मौत हुई है, 6 सालों में सबसे ज्यादा केस हैं। कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी, श्रीनगर के गुरेज बांदीपुरा रोड से बर्फ हटाई जा रही है। कैटरीना और विक्की कौशल का शादी समारोह आज से शुरू, राजस्थान के सवाईमाधोपुर में शादी की भव्य तैयारी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन में आज वीडियो कॉल के जरिए होगी बात, यूक्रेन में बढ़ते तनाव पर चर्चा की जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 सैनिकों की मौत। जापान में मिलिट्री ड्रिल का आयोजन, दर्जनों टैंक और सैकड़ों सैनिकों ने ताकत दिखाई। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फूटने के बाद दोबारा शुरू हुआ राहत और बचाव का काम, मौसम खराब होने की वजह से बीच में रुका था। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 372 रन से हराया, 2 टेस्ट के मैच की सीरीज में 1-0 अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की टीम 400
540 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 167 रन पर आउट हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने 34 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत की घरेलू धरती पर रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। मैच के चौथे दिन सुबह के पहले घंटे में ही न्यूजीलैंड के बाकी बचे 5 विकेट निकाले। जयंत यादव ने की शानदार गेंदबाजी। न्यूजीलैंड को 1-0 से हराने के बाद विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज और मयंक अग्रवाल की तारीफ की। रहाणे की फॉर्म पर बोले, कुछ नहीं कह सकते। विराट कोहली ने की अक्षर पटेल की तारीफ, बोले कि उनमें लंबे समय तक टीम के लिए खेलने की क्षमता है, फिटनेस पर ध्यान देना होगा।